इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम की शूटिंग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के इस टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। वहीं पीएम मोदी के जिम कॉर्बेट पार्क में किए गए रोमांचक सफर को मिले जबरदस्त कामयाबी से उत्तराखंड का पर्यटन विभाग गदगद है। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम में शामिल होने से कॉर्बेट के वाइल्ड लाइफ की रोमांचकारी दुनिया को नई पहचान मिली है और इससे देश और दुनिया के पर्यटक वाइल्ड लाइफ के प्रति आकर्षित होंगे। निश्चित रूप से प्रकृति के साथ उन्होंने लोगों को जोड़ा है और कहा प्रकृति के अंदर आइए, इसकी रक्षा कीजिए। और मैं समझता हूँ कि हम लोग, मैं अब मिलूँगा क्या कहते हैं वन मंत्री जी से, उनसे कहूँगा कि आप मोदी ट्रेल की शुरुआत कीजिए। जिस रास्ते पर मोदी जी चले थे, निश्चित रूप में उसी रास्ते पर लोग चलना चाहेंगे, वो वादियाँ, वो क्षेत्र देखना चाहेंगे, नदी भी पार करना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मोदी ट्रेल को हम आगे बढ़ाएंगे, टूरिज्म के अंदर उसको लाएंगे। सतपाल महाराज का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कॉर्बेट के पूरे ट्रैक रूट पर निडरता और साहस का परिचय दिया, उसे राज्य पर्यटन विभाग एक नई पहचान के रूप में स्थापित करेगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जहां जहां गए, उस पूरे क्षेत्र और ट्रैक को मोदी ट्रेल का नाम दिया जाएगा, ताकि कॉर्बेट आने वाले पर्यटक उस क्षेत्र में जा सकें और रोमांच का अनुभव कर सकें। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था, इससे हमारा जिम कॉर्बेट पार्क का बड़ा प्रचार प्रसार होगा और निश्चित रूप में ये अच्छे दिन हमारे आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्क के अंदर जो त्रुटियाँ हैं, जो उनको भी हम ठीक करेंगे और निश्चित रूप में सबका स्वागत करेंगे। पर्यटन को सर लगता है इजाफा मिलेगा? निश्चित रूप में मिलेगा। और मोदी ट्रेल बनेगा तो बनेगा, आपको पता, जब मोदी जी मेडिटेशन करने आए केदारनाथ में, उसके बाद वो जो जितने भी वो केव्स हैं, वो आज बहुत उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से ये मोदी ट्रेल पे लोग चलेंगे, बच्चे आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, फैमिलीज आएंगी, और जो प्रधानमंत्री ने देखा वो देखेंगे सब। धन्यवाद। आपको बता दें कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से बेहद खास लगाव रहा है। जब भी उनको वक्त मिलता है, वो अक्सर उत्तराखंड आते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से केदारनाथ धाम का कायाकल्प हो रहा है। वहीं जिस गुफा में पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था, उसमें अब तक कई लोग बुकिंग करवा कर ध्यान लगाने पहुँच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।